गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो इट्स मॉर्निंग 6 o'clock और हम लोग जाने वाले राइड पे राजपीपला साइड. एग्जैक्ट लोकेशन का क्या नाम है वो मेरे को नहीं पता, बट इट्स नियर बाय स्टैचू. स्टैचू के पास में एक सरदार सरोवर डैम है, उसका बैक वाटर जो है वहाँ पर है. ये रूरल एरिया में अपने को जाना है. लोकेशन मेरे को इसलिए नहीं पता क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है जो राजपीपला में ही रहता है. 2-3 राइड हमने साथ में की है, ज़्यादा राइड नहीं की है साथ में. उसने मेरे को एक लोकेशन सजेस्ट किया. समर टाइम है वैसे तो गर्मी बहुत होगी ही ऑब्वियसली, बट वहाँ पे क्या है, एक लोकेशन पे एक वाटरफॉल चालू है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट अच्छा है. तो हमने सोचा कि ठीक है इस बार वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा चिल आउट भी हो जाएगा, सब फ्रेंड्स मिल जाएंगे. तो कुलदीप ज्वाइन करने वाला है, अंकित भाई ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ आयका गुजरात से भी कुछ राइडर्स फ्रेंड्स ज्वाइन करने वाले हैं शायद, आई एम नॉट कन्फर्म. शुभम का अभी शायद पक्का होगा क्योंकि वो अभी बाहर से आया है, तो उसने अभी घर पे बात करेगा. अगर उसको फादर अलाउ कर देते तो वो पक्का आएगा. तो मिलते हैं बाइक के ऊपर. अराउंड 80 किलोमीटर्स वन साइडेड होगा आई थिंक, ऑफ रोड भी होगा थोड़ा, हाईवे तो है ही है, वही हाईवे से हम जाने वाले हैं मोस्टली जिससे जाते हैं. तो मिलता हूँ मैं आपको बाइक के ऊपर. अपने निकल दें यहाँ से. ये अंकित भाई हमेशा लेट करते हैं. बोला कपुराई चौकड़ी पहुंच गए बड़ौड़ा के दूसरे कोने में और बोल रहे तुम लोग दिख नहीं रहे हो. अभी तो वेदर मस्त ठंडा है, ठंडा नहीं है बट हाँ गर्म नहीं है सबसे मेन बात. ऐसा ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो थोड़े टाइम बाद तो हालत ख़राब हो जाएगी. पूरे रास्ते ऐसे ही रोड और ऐसे ही ट्रीज हो तो मस्त मजा आ जाए यार. ये आगे वही ब्रिज आ गया कि लास्ट टाइम हम बंद था तो हमने इससे पहले एक लेफ्ट में रास्ता जाता है वो लिया था, तो फिलहाल ये खुल गया है. हम लोग यहाँ से गए थे लास्ट टाइम नीचे से, अच्छा रास्ता था, इंटरेस्टिंग था बहुत. अभी भी काम चल ही रहा है वैसे तो इस पर, लेकिन हाँ छोटे व्हीकल्स और बाइक के लिए ओपन कर दिया है और जो कि अच्छा है यार. और मुझे ऐसा लगता है कि अंडरपास में कुलदीप रेव करेगा. हो सकता है, देखते हैं करता है या नहीं. यस किया. अब वो चला ही पता नहीं आज क्यों स्लो रहे हैं इतना. तो इस धीरन और कैसे है भाई, बड़े दिनों बाद. ये आदमी कभी ग्लव्स नहीं पहन सकता भाई, लेने के पैसे नहीं है. ठीक है कर देंगे. हम सोलेस से बात कर सकते हैं, राइनोक्स से नहीं. निकल रहे अपने यहाँ से लास्ट लोकेशन. अब सीधे जो अपना डेस्टिनेशन है बस अपने उस पर पहुँचेंगे. धीरेन अपने को लीड करेगा. एक्चुअली धीरेन यहाँ का लोकल गाइड है तो उसको लोकेशंस यहाँ बहुत सारी पता है. अपने को तो वही लोकेशन पता है जो मोस्टली टूरिस्ट प्लेस है, ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, अपने को पता लग जाता है. सो अपना एक फ्रेंड और है हर्ष, वो भी बस अपने को अब ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर लिया, पीछे ही है.
तो ये हर्ष फ्रेंड है, सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, कुछ भी कह लो सब है, मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। तो मोस्टली जब भी इधर आता है तो बोलता है कि कॉल करना था, तो रात इस लोकेशन का डिसाइड हुआ तो मैंने पहले उसको कॉल किया कि हम ऐसे ऐसे आने वाले हैं, हमें यहाँ से आगे से लेफ्ट लेना है। लगता है ऑफ रोड पूरा ही होगा ये, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा अच्छा लोकेशन पर जाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। थोड़ा अंकित भाई को ना थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बट वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो उनको इतना दिक्कत नहीं होगा, बट ठीक है। बट हाँ, ये श्योर है कि फिलहाल वो अपनी टाइगर को बहुत मिस कर रहे होंगे। जब से बाइक लिया है शायद ये दूसरा ऐसा पैच होगा, पहला तो दिवेर निमादी साइड था, वो तो बहुत डस्टी पैच था। बहुत गर्मी है, रुक तो गए अपने बाइक को, थोड़ा सा ऊपर ही पार्क किया हमने यहाँ, क्योंकि नीचे ज़्यादा ऑफ रोड है। बाइक ऊपर नीचे ले जाना तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी सब लोग नीचे पहुंच गए, बाइक वहां पार्क किया, अंकित भाई का उधर कहीं बाइक पार्क है। आपको अगर आवाज़ आ रही हो वाटरफॉल की, छोटा सा वाटरफॉल है, बड़ा थोड़ा पीछे है, जो पीछे है वही बड़ा है, लेकिन पहले सोचा कि आगे वाला विजिट करते हैं। कुलदीप ध्यान से, कभी ब्रिज ना रहे और आधे लोग उधर और आधे इधर ही रह जाए। चल शुभ, अपने नीचे जाते, थोड़ा डस्ट की वजह से स्लिपरी है यार, जहाँ भी जाओ ना ये सब गंदा कर रखा है, सभी लोग आते सब गंदा कर देते यार। अगर ये लोकेशन अभी साफ होता तो कितना अच्छा लगता। अंकित भाई को पूरा ऐसा लग रहा है कि ये गिरेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कैप्चर हो जाएगा 360 में, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ मेरा थंबनेल। ये देखो ये भाई स्लिप हो गए अभी, और अब ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैठा हूँ। सुदीप नीचे तो आया नहीं, ऊपर बैठा बैठा बकवास कर रहा है। अपने निकल रहे, सबकी बाइक वैसे स्लोप पे है। थोड़ा सा टफ हो जाता है।
अपने बस थोड़ा हाइट की वजह से अटक जाते यार। नहीं तो बाकी तो अपनी कीबा का पता था कि अपने को निकाल ही लेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो गया, बट कोई नहीं, इस लोकेशन पे ख़त्म हो गया, नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। दूसरी लोकेशन के लिए भी थोड़ा ऐसा सही चलना पड़ेगा। लोकेशन दोनों ही अच्छी है, जहाँ तक एक तो देख ही ली, दूसरी बार देख लेंगे। बस प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ धूप से। बहुत गर्मी है बॉस, अराउंड 44 डिग्री, बट नीचे जाके लोकेशन पे जाने के बाद इतना गर्मी नहीं लगेगी। ये ऐसे मस्त झाड़ियों के नीचे से निकलना पड़ेगा। कोई नहीं गिरेगा, चल आराम आराम से चल। बस मेरी हालत ख़राब हो गई, अभी तो और आगे जाना है। कुलदीप और अंकित भाई पीछे ही हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। बस थोड़ा ही और बचा है। ओह बहुत गर्मी बॉस, बट वर्थ इट है। कोई नहीं, थोड़ा और आगे जाते हैं, और कोई मस्त सा लोकेशन है। लोकेशन मतलब क्या बोलूं यार, पैसा वसूल। बॉस मजा आ गया, अपना भाई भी आ गया और हमारे अंकित भाई भी आखिरकार आ ही गए। अरे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पानी में हालत देख के आप जज कर सकते हो कितनी प्रॉब्लम हुई बॉस। बट फाइनली व्यू पे पहुंचने के बाद, मतलब लोकेशन पे पहुंचने के बाद, वो मेहनत ऐसा नहीं है कि वेस्ट हुई हो, मज़ा आ गया। इतना क्यों था? लोकेशन धीरेन ने सजेस्ट किया था। धीरेन थैंक यू भाई। बट समर में ऐसा लोकेशन में आना, मतलब मस्त मज़ा आ जाए। मानसिंह भाई पूरी प्लानिंग में है जंप करने की, लेकिन सोच रहे हैं पानी गहरा हुआ तो। मैन सब लोकेशन से अपने वापस रिटर्न हो रहे। लुक एट दिस, रिलैक्स दिस भाई, और वेदर भी अच्छा हो गया। तेरे पर्स है वहाँ भाई। गर्मी बहुत उस्ताद, अभी ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि थोड़ी दूरी जा करके खाने के लिए रुकना है।
बाहर निकल के। अब ऐसा है कि हम लोग सब रुकेंगे खाना वाना खाने के लिए और सब कुछ, लेकिन अंकित भाई अपने को लंच के लिए ज्वाइन नहीं करने वाले, वो निकल जाएंगे। हाँ, तो फाइनली लंच हो गया अपना। बस अब अपने निकल रहे। दिस व्यू एंड हम तीन, आई विश ऐसे ही रहे। आई विश अपना तीन हमेशा ही राइड करे साथ में, एक साथ, एक में सी, एक ये सी और वो तो सबसे बड़ा सी। तो अपने बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे फोटो सेशन के लिए, थोड़ा लोकेशन अच्छा लगा था अपने को रुकने के लिए। बाकी बड़ौदा यहाँ से जस्ट 40 किलोमीटर्स ही है, ज़्यादा नहीं बचा, 40 भी नहीं, इट्स अराउंड 38-37 किलोमीटर्स। फ़ोटो सेशन वगैरह हो गया है, तो फ़ोटोज़ देखने के लिए सबसे पहले, ब्लॉग से पहले फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पे आए, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको यहाँ डिस्प्ले में दिख जाएगी। तो बस अपने यहाँ से निकलते हैं, अब डायरेक्ट बड़ौदा ही रुकेंगे। सो आपको किसी भी रीज़न से ये ब्लॉग पसंद आया हो या जो भी है, सो लाइक करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे ऐसी अच्छी सी एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून। और इस आदमी को मैं अब कभी भी मिलेगा ना तो मैं इसे बीच रास्ते में छोड़ के आ जाऊँगा, ये पक्का है। तो बाय, फिर मिलते हैं।